पुलिस पर दागा है। क्या हुआ है? हम लोग इंसाफ के लिए आए थे, इंसाफ के बदले ये हम लोग कर रहे हैं। हम लोग के साथ भाई आपके क्या योजना रही है? अब हम लोग की योजना हम लोग सरकार को बताएंगे योजना क्या रही है। क्या कह रहे हैं कि आप आके बंगला चौराहे पर हमारी मौजूदगी है। देखिए पुलिस ने यहाँ लाठी चार्ज कर दिया है और छात्रों को दौरा दौरा कर पीटा जा रहा है। जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें पीटा जा रहा है। और देखिए ये गाड़ी, इसे भी ले जाया जा रहा है, खींच कर लेके जाया जा रहा है। देखिए ये अभ्यर्थियों के चप्पल जूते हैं जो सड़कों पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए गाड़ियाँ जो है, गाड़ियाँ किस तरीके से आमजनों की गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है। और देखिए किस तरीके से राहगीरों की जो गाड़ियां हैं वो भी टूट गई है। पुलिस जवानों के द्वारा उन्हें उठाया जा रहा है। क्या हो गया, क्या हुआ आपके साथ? अरे चोट लग गया, चोट लग गया है इन्हें। लीगल तरीके से प्रशासन निकाला, वो रूट दिए हुए थे जे पी नंबर से आने का, वो धोखा देकर इधर आ जाए। आते ही यहाँ पर बैरिकेडिंग को लड़ दिया, पुलिसकर्मियों ने हमला करने का प्रयास किया, हिंसा पर उतारू हो गए। वैसी स्थिति में कानून का फर्ज बनता है कि विधि व्यवस्था को जो है बनाए रखने के लिए जो भी कदम उठाए वो उठाया और उनको नियंत्रित किया और 5-6 लड़के को अरेस्ट किया। सर इसमें भाई पहली बात इनका प्रोसेशन ही इलीगल था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अच्छा रूट दिए थे जे पी को नंबर से, वो घुस गए डिविजन रोड और यहाँ आते ही उन्होंने रणनीति अपना लिए। वैसे उन लोग लॉ काम करेगा ना, आम जन जीवन को हम लोग ऐसे ही असहाय नहीं रह सकते हैं। हमारा फर्ज बनता है, कानून का फर्ज बनता है कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी कानून कहता है उसके अनुरूप काम करें। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हुई है, बहुत आसानी से उनका हल्का प्रयोग करके उन्हें यहाँ से हटा दिया। बीएसएससी परीक्षा के अभ्यर्थी सचिवालय सहायक 3 के परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आज पटना कॉलेज से बीपीएससी ऑफिस की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में डकवाना चौराहा पर पुलिस से उनकी तीखी झड़प हुई, जिसमें पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और उसके बाद से लाठीचार्ज करने के बाद अभ्यर्थी को इधर उधर खदेड़ भागना पड़ा, जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिसमें अभ्यर्थियों का कहना था कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बावजूद पुलिस ने उस पर लाठीचार्ज की है। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि आम जनजीवन को अस्त व्यस्त वो नहीं देखना चाहते हैं, उसको नियंत्रण करने के लिए छात्रों पर हल्की लाठीचार्ज उन्होंने की है। मनीष सिटी पोस्ट लाइव पटना।